बहुत दिनों पहले की बात है, तब बस्ती में दो गुंडे रहा करते थे। भाई पता है यहाँ एक मस्त माल रहती है। सही है भाई, तो पता है अब हम उसके साथ क्या करेंगे? उसके साथ हम एक खेल खेलेंगे। आज मौसम कितना सुहाना है। चलो बहुत दिनों बाद आज जाके पार्क घूम के आती हूँ। अरे ये लोग कौन है और मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? मुझे इनसे क्या, मुझे तो मार्केट जाना था। ओ वसंती, मार्केट क्यों, हमारी साथ आओ ना। अरे तुम लोग कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे पास मेरी एक जरूरी काम था। अरे कोई है, बचाओ बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ इनसे प्लीज, कोई मुझे बचाओ। यहाँ पर तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अरे चल क्या रहा है यहाँ पे, और तुम दोनों गुंडे, तुम्हारा काम फिर से आ गया, शुरू हो गया। एक एक करके अब सबको दूंगा, ऐसे मतलब जिंदगी भर तक याद रखोगे। आज तुम लोगों का खात्मा पक्का। देखो अब तुम्हारे साथ में करता क्या। थैंक यू मुझे इनसे बचाने के लिए। अगर आज तुम यहाँ नहीं होते पता नहीं मेरा क्या होता। तो इसी के साथ रोहित और नेहा की एक नई मोहब्बत की दास्तान शुरू होती है, और रोहित नेहा को एक बहुत ही अच्छी जगह को घुमाने बुलाता है, और वो अपने गाड़ी में लेके उसको संतोषा के बहुत ही पीछे वाले एक नदी के पास लेके जाता है। और उसके साथ नेहा भी बहुत खुश होती है उसके साथ, और नेहा मन ही मन रोहित को बहुत पसंद भी करने लगती है। तो नदी के किनारे जाने के बाद नेहा ने अपने अंदाज में रोहित को अपने दिल की बात बता दिया, और वहीं पर हड़बड़ी में रोहित ने नेहा को कुछ नहीं बता पाया, और वहां पे अपने दिल की बात अपने दिल के अंदर ही रखा। पर मन ही मन रोहित भी नेहा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। तो बदले की आग में जलता हुआ विक्रांत का भाई उसके भाई का बदला लेने के लिए बिल्कुल सीधे ही सीधे नेहा के घर चल पड़ता है, और वहां पे जाके उसके घर में उसका दरवाजा ठोकता है। कौन है? मेरे जिंदगी का बस एक ही असूल है, किसी का एहसान मैं कभी मेरा ऊपर नहीं रखता। मेरे भाई को मारकर तेरा आसिक ने जो एहसान मुझ पर किया था उसको चुकता करने आया हूँ। कोई बचाओ प्लीज, छोड़ दो ना मुझे प्लीज। देखना रोहित तुमको नहीं छोड़ेगा। गोली का आवाज़ सुनकर रोहित के दिल में खौफ भर गया, और वो सीधे ही सीधे नेहा के घर भागने लगा। और वहाँ पे आगे सामने तीन बाइक खड़े हुए थे, तो वो बाइक और गुंडों को देखकर रोहित के मन का डर यकीन में बदल गया, और वो उन लोगों को वहीं पे मारने लगता है। पर उन लोगों के पास बाइक होने के वजह से वो लोग बाइक लेकर भाग जाते हैं, और रोहित वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। तो नेहा को मारने के बाद विक्रांत का भाई रोहित के लिए एक लेटर छोड़ के जाता है, जो कि रोहित को मिलता है उसके लाश पर, और उसमें ये लिखा होता है कि
मेरे भाई को मारकर जो सरप्राइज तूने मुझे दिया था, कुछ छोटा सा सरप्राइज मेरे तरफ से तेरे लिए। नेहा को मारकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी और मेरे अंदर के घायल शेर को जगाया है तूने। जी ले अपने जिंदगी का आखिरी दो हसीन पल, क्योंकि जब मुझसे तेरा मुलाकात होगा तब से तेरे जिंदगी के उल्टे गिनती शुरू। I'm coming home.